हेलो यूट्यूब, दिस इज़ मलकीत फ्रॉम बिजी जनता एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं डार्चा राइडिंग जैकेट फ्रॉम रॉयल इनफील्ड और रायनोक स्टेल्थ ईवो L2 राइडिंग जैकेट का कंपैरिजन। अगर आप प्लान कर रहे हैं टू बाय अ न्यू राइडिंग जैकेट देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू नो द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन बोथ ऑफ दिस जैकेट एंड टू नो हाउ यू कैन बाय बोथ ऑफ दिस जैकेट्स एट अ सिमिलर प्राइस। दो ये जैकेट काफ़ी ओवर प्राइज है एज कम्पेयर टू स्टेल्थ ईवो L2 राइडिंग जैकेट। सो लेट्स बिगिन विद द कंपैरिजन ऑफ बोथ ऑफ दिस जैकेट। हम इस वीडियो को चार सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला सेफ्टी, जो कि हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेफ्टी अगेंस्ट इम्पैक्ट, जिसमें हम कवर करेंगे आर्मर्स जो अवेलेबल हैं बोथ ऑफ द जैकेट्स में, और दूसरा सेफ्टी अगेंस्ट वेदर। सेकेंड हम बात करेंगे वेंटिलेशन सिस्टम और इन जैकेट को पहनने में जो कम्फर्ट है। तीसरी हम बात करेंगे दोनों ही जैकेट में स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, लाइक जो आपके पास पॉकेट्स हैं जिसमें यू कैन कीप योर स्टफ वाइल राइडिंग। और चौथा इन द एंड वील टॉक अबाउट द कॉस्ट। सो टू मेक दिस वीडियो गौरव इज हेल्पिंग मी, ही इज माई फ्रेंड एंड ही राइड्स विद मी, एंड टूडे वी आर राइडिंग इन सम फॉरेस्ट समवेयर इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन विद द सेफ्टी फर्स्ट। दोनों ही जैकेट में आपको नॉक्स के आर्मर्स मिलते हैं, लेकिन स्टेल्थ ईवो L2 जैकेट में आपको लेवल 2 के आर्मर्स मिलेंगे। दूसरी तरफ डार्चा राइडिंग जैकेट में आपको CE लेवल 1 के आर्मर्स मिलेंगे, और ईवो L2 जैकेट में आपको एडिशनली जो बैक के ऊपर एक आर्मर मिलता है विच कैन सेव यू इन केस ऑफ एक्सीडेंट। जब आप पीछे फॉल बैक करते हैं आपका सिर टकराने से बचता है हेलमेट, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है आपकी बॉडी। ये चीज़ मिसिंग है RE के डार्चा जैकेट में, बट उन्होंने इसमें एक स्टोरेज दे रखी है वेयर यू कैन बाय इट एक्सटर्नली एंड पुट इट ऑन द जैकेट। बाकी दोनों ही जैकेट में आर्म्स के ऊपर आर्मर्स हैं, शोल्डर्स के ऊपर आर्मर्स हैं। सो दिस वाज अबाउट दी सेफ्टी अगेंस्ट इम्पैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी अगेंस्ट वेदर। दोनों ही जैकेट कैन बी यूज इन यू नो ऑल द सीजन्स, लाइक कैन बी यूज इन कोल्ड वेदर्स, कैन बी यूज इन warm weather or can be used in rainy weather. In both of the jackets you get a thermal liner and a rain liner, but here's the difference in both of this jacket. Isme jo aapko rain liner milta hai that you need to put over the jacket, jo ki pehenne mein aasani lagti hai kyunki it's not always raining and hamesha aap uske sath ride karna nahi chahenge because of the you know humidity or some other reason. Lekin RE ke darcha jacket mein aapko internally attach karna padta hai, aur agar if you see rain coming ahead तो उस केस में मुझे लगता है कि आप इजीली राइनोक्स की जैकेट में उसको पहन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी थर्मल लाइनर। दोनों ही जैकेट में जो थर्मल लाइनर है आप उनको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट दी जैकेट। लेट्स से यू आर ऑन अ राइड समवेयर इन द माउंटेन्स एंड इफ यू आर नॉट राइडिंग यू कैन रोम अराउंड इन द यू नो थर्मल लाइनर इटसेल्फ। दोनों ही डिटैचेबल हैं एंड कैन बी अटैच्ड इनसाइड द जैकेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन, द वेंटिलेशन सिस्टम एंड हाउ कम्फर्टेबल दीज जैकेट्स आर। दोनों ही जैकेट में वेंटिलेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। यू गेट zips over here to you know let the air pass through, and in Rynox also, in case of Rynox you get this catchy color mesh inside this jacket which can be helpful in case of low light visibility. Aur dono hi jacket mein you can open zips from your forearms, from the chest and from the back side. So this was the ventilation system. And talk about the comfort, dono hi jacket mein aapko aapke neck ke around you know adjustable straps milenge which you can adjust according to your neck size, और दोनों में ही आपको कुशनिंग मिलेगी अराउंड योर नेक, कैन प्रिवेंट द शफिंग अराउंड योर नेक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्टिव सिस्टम ऑन द जैकेट्स। दोनों ही जैकेट में यू गेट अ गुड रिफ्लेक्टिव सिस्टम। बोथ ऑफ जैकेट हैव रिफ्लेक्टिंग सिस्टम एट द फ्रंट एंड एट द बैक लाइक दिस। इन केस ऑफ RE यू गेट अ गुड RE लोगो एट द बैक। Now let's talk about the storage capacity available on both of the jackets. When riding outside, it's important that you reach your mobile, your loose currency notes easily. And there comes the storage point. Dono hi jacket mein storage ke kafi options hain. Like in case of Darcha jacket, you get 4 pockets at the front. But in case of Rynox jacket, you get just 2 pockets. Or if you turn around, both of these jackets has this storage available at the back. This Darcha jacket has this storage. It's bit large. This storage at the back of Rynox jacket is mostly used to keep its rain cover, जो कि हम jacket के ऊपर से पहनते हैं. So this was about the storage. Now comes the final part, the cost. Rynox Stealth EVO L2 jacket is around 10,500 and Darcha jacket from RE is around 22,000. But अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं then Royal Enfield sells this jacket around 12,000 in their annual online sale. So in that sale you can buy this jacket at around 12,000 like I did,
So this was the short comparison of both of these jackets. Do let us know aapko ye video kaisi lagi, and do let us know if you are using Rynox or Darcha jacket. And also, if you haven't done, hit that subscribe button and press that bell icon.